शेष राशि। नई नौकरी के लिए आप आवेदन करिए, शेयर मार्केट से लाभ होगा, नए काम से फायदा भी होगा। शुभ रंग है गाजरी। आज एंग मंत्र का 108 बार जाप करिए। वृषभ राशि। समाज में आपका सम्मान, आपका वर्चस्व पहले से अधिक होगा। शाम तक प्रिय मित्र से मुलाकात भी होगी। आज विवाद से बचें। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आज क्लिम मंत्र का 108 बार जाप करें। मिथुन राशि। माता पिता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको लेते भी रहना चाहिए। सफलता मिलने से कुटुंब में खुशी का माहौल रहेगा। नौकरी में बहुत फायदा होने वाला है। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज गणेश उपासना आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगी। आइए मित्रों, बात करते हैं प्रथम उस महाउपाय की जो आपकी धन की समस्या को खत्म कर सकता है। देखिए, भगवान विष्णु के सामने पीले बेसन के लड्डू, पीले फल और पीले रंग के फूल आप अर्पित करिए और वहीं पर बैठकर या खड़े होकर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए। अब यह सारी सामग्री आप किसी महिला को दान कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय करने से संतान सप्तमी का तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही, साथ ही आपकी धन की समस्या खत्म होगी। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशि। कर्क राशि। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग है। नए काम की आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आज मिलने वाली है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। शुभ रंग है आसमानी। आज सफेद चावल का दान अवश्य करें। सिंह राशि। शाम तक सेहत बिगड़ने का योग बना हुआ है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। नौकरी मिलने का भी योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए मरून। आज नेत्रहीन लोगों की सेवा जरूर करें। कन्या राशि। जिम्मेदारी से आप चूक सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। चेहरे पर चोट लगने से आप बच जाएंगे। रिश्तेदारों का सम्मान करें तो बेहतर है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज गुलाब का फूल देवी लक्ष्मी को अवश्य ही अर्पित करें। आइए मित्रों, बात करते हैं उस महाउपाय की जो आपकी आजीविका की समस्या को खत्म करें। सुबह के समय स्नान करके जल में गुड़ मिलाइए और पीपल के पेड़ की जड़ में आप ये अर्पित कर दीजिए। वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे तो ये सोने पे सुहागा होगा। अगर आप इस उपाय को आज के दिन करते हैं तो यकीन मान के चलिएगा मित्रों, आपकी आजीविका की समस्या बिल्कुल खत्म होगी। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि के दैनिक राशि फल। तुला राशि। नए कार्य की शुरुआत किसी की सलाह से ही करनी है, अपनी मनमर्जी बिल्कुल ना करें। संतान की सेहत में सुधार होगा। परिवार में अकारण कलह से बचें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज किसी भी महिला को कुछ नए वस्त्र दान करिए, आपका दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि। लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। दोपहर तक व्यापार में लाभ होगा। अपने क्रोध पर गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज माथे पर हल्दी का तिलक करेंगे तो बिगड़ी बात जरूर। धनु राशि। आज तनाव, थोड़ा सा जो टेंशन बनी हुई थी वो पहले से कम हो जाएगा। विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में सफल अवश्य होंगे। धन खर्च पहले से अधिक होगा। शुभ रंग है आपके लिए गाजरी। आज माथे पर रोली का तिलक करके किसी भी कार्य के लिए जाएंगे तो सफलता मिल ही जाएगी। आइए मित्रों, बात करते हैं उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। देखिए, रात के समय त्रिफला के चूर्ण का आपको सेवन करना होगा गुनगुने पानी के साथ। ऐसा करने से आपके शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों ही नियंत्रित होंगे और अगर ये तीनों नियंत्रित हो गए तो आप बीमार बिल्कुल नहीं होंगे। तो भाई, इसका आप अनुसरण करिए, लाभ खूब होगा। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि। व्यापारिक स्थल पर विवाद से बचें। मित्रों की सलाह से लाभ होगा। अपने रिश्तों में खटास बिल्कुल ना आने दें। शुभ रंग है आपके लिए नीला।
उपाय क्या करना है, एक नारियल देवी लक्ष्मी को अवश्य चढ़ाएं। कुंभ राशि, आज धन किसी को उधार ना दें तो आपके लिए अच्छा है। व्यापार की समस्या जो काफी समय से चल रही थी पहले से कम हो जाएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ध्यान रखिए। शुभ रंग है आसमानी। आज उपाय क्या करना है, देवी दुर्गा को एक नारियल अर्पित कर दें। मीन राशि, आज मेडिकल से जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना बनी हुई है। अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, मित्रों से संबंध मजबूत होंगे। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज उपाय के तौर पर नहाने के पानी में केसर डालकर नहाइएगा। आइए मित्रों, बात करते हैं अंतिम और चौथे उस महा उपाय के विषय में जो आपकी हर दुख परेशानी और संकट को खत्म कर सकता है। देखिए, प्रभु श्री राम के 108 नामों का जाप आप हनुमान जी के सम्मुख करिए, उनके सामने बैठकर या खड़े होकर करिए। आप हर दुख परेशानी संकट से हमेशा के लिए बचे रहेंगे।